दिनोराज सर हमारे बीच में है। हार्दिक हार्दिक वेलकम, स्वागत, आपका अभिनंदन है हमारे इस जूम मीटिंग पैनल में। हम अभी शुरुआत किए हैं, 8 महीना, 8 महीना, आज 3 तारीख हो गया, तो 8 महीना, 9 महीना पूरा कंप्लीट हो गया मुझे इस बिजनेस में। और 9 महीने के दौरान सर अभी लगभग लगभग 25 लाख बीबी मैच कर लिया मैंने, और एक साइड में तो 50 लाख से ज़्यादा बैलेंस पावर है, और 2,45,000 का रजिस्ट्रेशन टीम टाइगर टीम कर लिया है। तो ये सर अच्छा मैनेजमेंट की वजह से हो पाया, वरना इतने कम समय में इतना बड़ा टीम को बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और अभी ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। अभी हमारा टीम का कल एक मैंने मीटिंग लिया था, वो टीम बोलता है कि 2022 में सर 25 लाख का टीम अकेला बनाएगा, वो टीम एक कल कमिटमेंट किया 2022 में अकेला टीम। एक अभी टीम चालू हुआ है, वो बोलता है कि हम 2022 में 25 लाख का टीम अकेला बनाएगा, और ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैनेजमेंट को, और थैंक यू दिनू सर को, थैंक यू जो भी सर को, अगेन हैप्पी न्यू ईयर। यस, थैंक यू वेरी मच। इतना बड़ा कमिटमेंट जो मन से कर रहा है, जो अपने मन से आ रहा है ये सब, ये जो 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 1 साल, मेरा भी कम से कम 1 साल के ऊपर हो चुका है। जब मैं जिंदा सर को पहले ऑफिस में मिला था, उस दिन मेरे को पता है मैं कैसे उसको फेस किया था। कंपनी के बारे में एक एक पॉइंट में एक पेपर में नोट किया था, पर्सनली उसको कैसे मेरे बारे में कन्विंस किया था, ये सब मेरे को मालूम है। तो अभी ज्यादा बोलने की जरूरी नहीं है। अभी तो जो 1 साल पहले का मैनेजमेंट नहीं है, 1 साल पहले का कंपनी नहीं है, 1 साल पहले का भी नहीं है, जो भी जो सब आर के मनोहर, सतविंदर सिंह, जो फोसले जी फ्रॉम हरियाणा, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स अभी इसके अंदर है, जो 1 साल पहले वाला आदमी नहीं है अभी। तो ऑन एंड ओनली बिकॉज ऑफ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग एंड द पावरफुल मैनेजमेंट एंड द पावरफुल प्लान। इतना पावरफुल प्लान लेके आ गया और इंडस्ट्री के अंदर इतना प्रभाव है इसको, अभी 1 साल के अंदर इतना प्रभाव ऑल इंडिया में करेगा, तो आने वाले समय में, मैं तो कल जब हमारा सीईओ से बात किया था, वो बताया कि सर अभी अगले हफ्ते से हम बाहर है। मैंने सोचा कि बाहर मतलब क्या है, केरला के बाहर है? नहीं, इंडिया के बाहर है। अगले 2 हफ्ते के अंदर हम इंडिया के बाहर कुछ कुछ अलग अलग प्लानिंग लेके आ रहा है। तो अलग अलग प्लानिंग खुल के नहीं बताएगा, मैनेजमेंट नहीं दिखाएगा, बताने का चीज नहीं है, बातें जो बताने का नहीं है दिखाने का है। तो अभी कुछ अपडेशंस और अपना परिचय करेगा हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यानी कि हाई रिच को इस लेवल तक लेके जाने के लिए दो ही मेन पिलर्स है हमारा। उसमें एक पिलर है दिनुराज सर और एक पिलर है विनीत पुरीवाला सर। विनीत कुरीवाला सर आज नहीं है क्योंकि उसका एग्जामिनेशन का पार्ट के लिए वो गया है, मुंबई गया है। तो दिदा सर को मैं 2 दिन पहले फोन किया था और पर्सनली हम टॉक करता है, तो इस तरफ बोला कि सर मैं आएगा मीटिंग में, आएगा आपके मीटिंग में अपडेशंस बताने के लिए और कंपनी के बारे में। क्या अपडेशंस? अपडेशंस तो होते ही रहता है, मगर कंपनी कंपनी का स्ट्रेंथनेस अभी नया साल है 2022 से कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो एक मोटिवेशन तो जरूरी है मनोहर जी, जरूरी है ना, एक मोटिवेशन यस सर, जरूरी यस है। यस, यस सर, यस सर, बस हमको अभी 1,000 इसके अंदर है और फेसबुक में भी कुछ लोग हैं। सर आपका आशीर्वाद चाहिए और हमको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए बस। लेट्स वेलकम टू द पैनल हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग मार्केटिंग मैनेजर दिनराज सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। यस, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, थैंक यू। ओके, पहली बार मैं आप लोगों का मीटिंग में आता हूँ। सर, मेरे वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है सर, प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो उसका पहला मेरे को आर के मनोहर जी 2-3 टाइम बुलाया था, लेकिन वो टाइम मेरे को नहीं आ सकता। सॉरी, मेरा तो लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, इतना ये नहीं है। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं, ओके लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। सो इज मैं भी थोड़ा नोट कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ और ओके कंक्लूजन में बताएगा, टेंशन नहीं सर। ओके ओके आप मन खुल के बताइए और कुछ नहीं।
ओके ओके। तो कल ने जो भी सर मेरे को फोन किया था ये जो मीटिंग के बारे में, तो मैं भी सोचा देखो अभी मार्केट में ज्यादा इश्यूज चलता है, इस वजह से हम लोगों का लोगों को थोड़ा मिलना जरूरी है। पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 2016 में स्टार्ट हो गया था, 5 साल कंप्लीट हो गया ये नवंबर में। तो पहले हम लोग एक जो कपड़े का एक ऑनलाइन शॉप ही था 2008 में, वो जो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट किया। तो शुरू में हम लोग सोचा एक डायरेक्ट सेलिंग से माध्यम से हम लोग आगे जाएगा, लेकिन आने वाला टाइम में हम लोगों को मालूम पड़ा देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में सही एक कानून नहीं है। 25 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में स्टार्ट होके, फिर भी सही एक कानून नहीं है। कुछ स्टेट्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आता है, लेकिन एक स्टेट का रूल दूसरा स्टेट को नहीं चलता। ऐसा मार्केट में क्या होता है, एक एक गवर्नमेंट आता है, नहीं तो एक एक ऑफिसर आता है, ये लोग एक नया रूल लेके आएगा और रूल का मुताबिक क्या होता है, मार्केट पूरा डाउन होता है। तो हम लोग 4-5 साल मार्केट में मर के काम करके, आप लोग मालूम है कितना मुश्किल है जो नेटवर्किंग टीम बिल्ड करने के लिए, हम लोग इतना मुश्किल से टीम बिल्ड करके हम लोग आगे आते हैं। वो टाइम गवर्नमेंट एक नया रूल सिलेक्ट किया था, उस वजह से पूरा कंपनी डाउन होता है। फिर भी 3-4 साल के बाद फिर भी हम लोग मार्केट को डेवलप करके आता है, फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आता है, उसका वजह से मार्केट डाउन होता है। तो यही मार्केट में चलता था लास्ट 25 ईयर्स से, यही चलता है। नहीं तो क्या होता है, कुछ फ्रॉड कंपनी कुछ मार्केट में कुछ अल्तू फालतू बिजनेस करके भाग जाता है, उस वजह से गवर्नमेंट क्या करता है इंडिया में जितना सारा कंपनी है पूरा से बैन करता है। तो अच्छा एक कंपनी ऊपर आने के लिए ज्यादा मुश्किल है, चाहिए वो इंडिया का कंपनी हो और बाहर का कंपनी हो। तो इस वजह से हम लोग 2019 में जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाया, तो हम लोग सोचा दो ऑप्शन हम लोगों का, एक तो डायरेक्ट सेलिंग में कंटिन्यू करने का, नहीं तो ट्रेडिशनल मार्केट में जाने का। तो 90% हम लोग सोचा था ओके डायरेक्ट सेलिंग में आगे जाएगा, क्योंकि एमडी बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग से, मैं डायरेक्ट सेलिंग से, जैसा मैनेजमेंट से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग से आया है, तो सब लोगों को पसंद है डायरेक्ट सेलिंग से आगे जाने की। लेकिन हम लोगों को ये लीगल का इशू का वजह से हम लोग आगे जा नहीं सकता। तो हम लोगों का ऑडिटर आया था 2019 में, वो आने के बाद में एक ऑप्शन रखा क्यों हम लोग ट्रेडिशनल में क्यों नहीं जाता। तो ट्रेडिशनल में गया तो आप लोग भी जाता है जानता है, ट्रेडिशनल में गया तो क्या होता है, आप लोग ये नेटवर्किंग नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम लोग अलग एक प्लान बनाया, वही है मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम, जैसा ऑनलाइन शॉपिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल, ये तीनों मिक्स करके हम लोग नया कॉन्सेप्ट बनाया। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग का हम लोग कुछ फॉलो नहीं करता है, खाली हम लोग मार्केटिंग के लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लान है डायरेक्ट सेलिंग का, मार्केटिंग प्लान। तो कस्टमर क्रिएशन करने के लिए बेस्ट प्लान है मार्केटिंग प्लान डायरेक्ट सेलिंग का। तो क्यों, एक ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में आता है तो इंडिया में हजार ऑनलाइन शॉपिंग है, और जाइंट जाइंट अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है। तो ये लोगों के सामने हम लोग एक छोटा कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग लेके आने का टाइम, हम लोगों को भी आगे जाना चाहिए। तो वो लोगों के पास नहीं है वो चीज, हम लोग करना चाहिए। इसलिए कंपनी जो ग्रोसरी का ऑनलाइन शॉपिंग लेके आया, ऑनलाइन शॉपिंग लेके आया तो हम लोगों को मेन क्या चाहिए, हम लोगों को कस्टमर चाहिए। तो कस्टमर के लिए हम लोग क्या किया, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का प्लान यूज करता है, इसका मतलब ये नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो करता है, ठीक है। तो इधर हम लोग नया प्लान बनाया मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम। जैसा एक ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में है तो क्या होता है, छोटा मोटा शॉप पूरा बंद होता है, आप लोग भी जानता है, अभी कोई भी
शॉप में जाके मोबाइल परचेस नहीं करता है, सब लोग ऑनलाइन से खरीद करता है क्योंकि उधर हम लोगों को थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो छोटा मोटा शॉप पूरा बंद हो जाएगा ऑनलाइन शॉप। अभी जो जैसा अमेजोन फ्लिपकार्ट ऐसा जायंट्स ऐसा ऑफर डालता है तो कोई शॉप में नहीं जाता। तो हम लोग क्या करता है, हम लोग इधर शॉप को डेवलप करता है, एक एक पिन कोड में हम लोग शॉप को डेवलप करता है। कोई भी हम लोग प्लेटफॉर्म देता है कंपनी क्या बताता है, हम लोग जैसा फ्रेंचाइजी देता है वो दूसरा कंपनी का जैसा नहीं है। दूसरा कंपनी क्या करता है, अपना प्रोडक्ट जाके फ्रेंचाइजी को देता है, बाद में फ्रेंचाइजी लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। इधर फ्रेंचाइजी में हम लोगों को क्या होता है, कौन सा भी बड़ा और छोटा दुकान हो, कस्टमर नहीं है तो वो फ्रेंचाइजी बंद होता है। कितना भी पैसा खर्चा करके आप बड़ा मॉल डालो लेकिन कस्टमर नहीं तो शॉप ही बंद होता है। तो कंपनी इधर क्या फोकस करता है, आप लोग एक फ्रेंचाइजी लेता है कंपनी का, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेता है जैसा आप लोगों को कस्टमर बना के देने के लिए। तो कस्टमर क्रिएशन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक प्लान चाहिए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का प्लान यूज किए। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पे आउट देता है हाई रिच ऑनलाइन शॉप ही है। पहले आप लोग पूछता था 800 में कैसा 200 दिएगा, ओके, लेकिन अभी जो नया प्लान आया वो 699 को हम लोग 200 देते हैं। मेरे ख्याल में 27 और 28% बाइनरी का कमीशन देते हैं। तो ये जो प्लान लेके आया मार्केट में, तो मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम से हम लोग काम करता है। तो अभी 2 दिन नहीं तो 3 दिन पहला गवर्नमेंट पे एक नया रूल आया, वो एक्चुअली 2017 में वो रूल आया था, वो गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंट करता है अभी। तो ये जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हमने रजिस्टर नहीं किया, हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में रहता है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी में गवर्नमेंट लेके आता है रूल हम लोगों को इफेक्ट नहीं होता। ये मैं नहीं बताता हूँ, हम लोगों का एक लीगल टीम है, मैं थोड़ा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट केरला हाई कोर्ट में हम लोग का एक बेंच है और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को खुद का एक बेंच है। तो वो लीगल टीम का एडवाइस का मुताबिक हम लोग आगे चलता है। खाली एक MD नहीं तो मार्केटिंग मैनेजर नहीं तो CEO का डिसीजन नहीं है, हम लोगों का लीगलिटी टीम का इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम लोग आगे जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा भी लॉ आता है वो हम लोगों का इफेक्ट नहीं करता। अगर कल गवर्नमेंट बताता है पूरा MLM कंपनी नहीं तो पूरा डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी नहीं तो ऐसा प्लान करता पूरा कंपनी को हम लोग बंद करता बताए, तो हम लोग का कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसा हम लोग देश में रहता है उसका लॉ हम लोग फॉलो करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। वो जो प्लान वो लोग वजह से कट हो गया था। ओके सर, कोई नहीं। ओके देखो, तो हम लोग ऐसा ऑनलाइन शॉप ही स्टार्ट किया, फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया, तो हम लोग कौन सा माध्यम से कनेक्ट करते हैं सब लोगों को, ये है ऐसा मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम आप लोग लेके आया उसका क्या वैलिडिटी है, ये सब लोग पूछता है। तो हम लोग इंडिया का रूल्स, अभी जो नया रूल आया GST बेस करके हम लोग काम करता है, क्योंकि GST में बताता है आपको जो कंपनी काम करता है उसके लिए मार्केटिंग करता है लोगों के इंसेंटिव देने के लिए ऑप्शन है। दूसरा किधर ऐसा क्लियरली नहीं बताता है। तो मार्केटिंग जो लोग करता है उसको इंसेंटिव करने देने के लिए ऑप्शन है वो जो GST में है। तो कंपनी क्या किया, कंपनी पहला कंपनी काम करना चाहिए तो GST चाहिए। ऑलरेडी एक कंपनी चलाने के लिए 14 सर्टिफिकेट चाहिए। ये 14 रजिस्ट्रेशन में एक आता है GST। तो कंपनी क्या किया, वो जो 14 रजिस्ट्रेशन लिया प्लस ये GST का बेस में काम करता है, तो जितना एजेंसी है उसको सबको GST चाहिए। तो ऑलमोस्ट अभी 150 का सामने हम लोगों को 137 शॉप केरला में है,
अभी 1500 पैसा केरला का बाहर है, लेकिन मेरे को लगता है आने वाला टाइम में बहुत सारा ऑनलाइन शॉपिंग का जो एजेंसी लेने के लिए ज्यादा लोग है, तो 1000 एजेंसी मेरे को लगता है 2022 में हम लोग कंप्लीट करेगा, वो 6 महीने का अंदर भी कर सकते हैं हम लोग, इतना सारा इंक्वायरी आता है ऑल इंडिया से। ठीक है, तो ये जो एजेंसी का पूरा हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, हम लोगों को जो लीडर लोग काम करता है, तो कंपनी का पार्ट लीगली सेफ हो गया, जो एजेंसी का लीगली सेफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो करता है, जो काम करता है लीडर लोगों को, वो लोगों को लीगली सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखो आप लोगों का वजह से कंपनी इधर तक पहुंचा। ऐसा नहीं सोचो एक जो भी सारे, एक मनोहर सारे, नहीं तो एक दिलीप है, ये लोगों की वजह से नहीं, इधर ज्वाइन किया एक एक आदमी का वजह से कंपनी ये जो पोजीशन में है। तो ऐसा नहीं सोचो देखो हम लोग बस लीडर लोगों को ये करता है। मैं क्यों इधर आया, देखो जो भी सर मेरे को बताया सर हम लोग 2 दिन के बाद में केरला आता है लीडर लोगों को, मैं बताया ऐसा नहीं है, मेरे को पूरा लोगों को जो नया ज्वाइन किया व्यक्ति को भी देखना चाहिए, वो लोग मेरे साथ मेरा जो बात सुनना चाहिए, क्योंकि कंपनी को जो बड़ा लीडर हो नहीं तो नया एक आदमी ज्वाइन किया सब एक है, क्योंकि इतना साल हम लोग जो मैं भी 20 साल से ये जो डायरेक्ट सेलिंग में काम किया था, तो इतना साल से एक्सपीरियंस में बताता हूँ, जैसा हम लोग पहला देखा ज्यादा कंपनी में, बड़ा कंपनी हो बाहर का कंपनी हो, वो नहीं है इधर, क्योंकि हम लोगों का जो MD का विजन है वो सिंपल है। जो हम लोगों का MD क्या बताता है, आप लोग दूसरा कंपनी काम करता है नो प्रॉब्लम काम करो, आप लोगों को टाइम मिला तो 1 घंटा बस हायरिंग के लिए काम करो, ऐसा आप लोग किधर देख सुना? दूसरा कंपनी में क्या होता है, आप दूसरा कंपनी का काम करता तो ओके आपको इधर से टर्मिनेट किया, लेकिन हम लोग के MD क्या बोलता है, आप लोग किधर भी काम करो लेकिन आप लोग को टाइम मिला तो हायर में काम करो। लेकिन हम लोग का एक्सपीरियंस क्या है, हम लोग सालों साल काम किया, उधर जो हम लोग कमा नहीं सकता वो इधर हायर में 1 घंटा काम किया तो हम लोग को पैसा मिलता है, क्योंकि 5 साल हो गया अभी तक पे आउट का कोई भी एक इश्यू अभी तक नहीं हो गया, मेरे को पेमेंट नहीं मिला बता के। ओके प्रोडक्ट का तो डिले होता है कभी कभी, क्योंकि कंपनी के पास एक ही भी प्रोडक्ट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम लोग नहीं है, इसलिए कंपनी खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं रखा, अलग अलग वेंडर्स लोग रखा, तो जो वेंडर्स लोग जो प्रोडक्ट बेचता है उसको कभी कभी डिले होता है, उसके लिए एक सोल्यूशन हम लोग लेके आया अभी आप लोगों को, जो कूपन सिस्टम कंपनी लेके आया। तो मैं यही बताता हूँ, कंपनी लीगली सेफ है, एजेंसी लोग लीगली सेफ है, प्लस हम लोग लीडर लोगों को सेफ करता है। वो कैसा, देखो अभी आप लोगों के पास कोई एजेंसी आता है, मैं एजेंसी मतलब जो ऐसा लीगल डिपार्टमेंट पुलिस होता है, क्राइम ब्रांच होता है, स्पेशल ब्रांच होता है, ऐसा कोई भी एजेंसी आके आपको पूछता है आपका अकाउंट में इतना सारा पैसा आता है किधर से आता है, तो नॉर्मली आप लोग क्या बताओ, हम लोग हैरिज में काम करता है। देखो इंडिया का कानून का मुताबिक हम लोग कुछ आगे जाने का नहीं तो कोर्ट में जाने का, तो वो लोग को क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। आप लोग वर्बली बताते हैं हम लोग हायर में काम करता है, उसका कुछ प्रूफ है? कुछ प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए कंपनी क्या करता है, हर मेन लीडर लोगों को जो नया लोग ज्वाइन किया उसके लिए मैं नहीं बताता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता है डेली, अच्छा पैसा मिलता है, वो लोग को कंपनी क्या बोलता है, आप लोग GST लियो, आप लोग GST लेके एक कंपनी फॉर्म करो, ABC एसोसिएट ऐसा कुछ भी नाम से आप लोग एक फर्म स्टार्ट करो। फर्म स्टार्ट किया तो क्या होता है, कंपनी ये जो फर्म के साथ एक एग्रीमेंट होता है, जो आपका ABC एसोसिएट बता के एक फर्म स्टार्ट किया, वो फर्म के साथ हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट में क्या लिखा, हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग के लिए
मार्केटिंग करता है कंपनी है एबीसी एसोसिएट, ठीक है, उसके लिए हम लोग ये जो हाई रिच ऑनलाइन शॉपी जो मार्केटिंग करता है उसके लिए इंसेंटिव देता है। तो आपके पास प्रूफ हो गया, कोई भी एजेंसी आओ, कोई भी आप लोग कुछ भी लीगल इश्यू फेस करता है, आप लोगों के पास एक प्रूफ है, एग्रीमेंट है, कंपनी का एग्रीमेंट है, हम लोगों का कंपनी हाई रिच बता के एक कंपनी को मार्केटिंग करता है। देखो मार्केटिंग में हम लोग कुछ भी बता सकते हैं, कंपनी जो बताया नहीं बताया कुछ भी बता सकते हो, हम लोगों का मर्जी है मार्केटिंग करने का। आप लोग देखो नेटवर्किंग में लीडर्स लोग ज्यादा बात करता है, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मार्केट में मेरा कंपनी के लिए मार्केटिंग करता है, मैं कुछ भी बताएगा, क्योंकि लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए मैं कुछ भी बताएगा, उसको कुछ लीगल इश्यू नहीं है। लेकिन इधर क्या होता है, लीडर लोग जो ऐसा फेम स्टार्ट किया तो क्या होता है, अभी मेरे ख्याल में 1500 एजेंसी प्लस लीडर्स लोग मिलके 1500 फेम्स है। तो हाई रिच बता के क्या होता है, 1500 फेम्स का एक ग्रुप हो गया। तो गवर्नमेंट क्या आके देखता है, इधर हम लोग कंपनी टू पर्सन पैसा नहीं देता है, कंपनी टू कंपनी पैसा देता है। आप लोगों को इधर बेनिफिट क्या होता है, नॉर्मली 5 लाख आप लोगों को अकाउंट में आया तो आप लोग टीडीएस देना पड़ेगा, ठीक है, 5 लाख को ऊपर हो गए तो आप लोगों को स्लैब चेंज होता है, आप लोगों को जो टैक्स देने का वो परसेंटेज भी ज्यादा होता है, तो आप लोगों को टैक्स का इश्यू होता है, ज्यादा पैसा आ गए तो आपको अकाउंट में कभी कभी क्या होता है, हाई रिस्क से कम पैसा आता है, लेकिन आप लोग क्या करता है, जैसे हम लोग को टीम के साथ हम लोग पैसा लेता है पिन बनाने के लिए, तो ये पूरा पैसा हम लोग के अकाउंट में आता है, गवर्नमेंट देखने का टाइम आपका अकाउंट में 50 लाख का बिजनेस हो गया, हम लोग रोलिंग करता है लेकिन गवर्नमेंट देखता है 50 लाख का बिजनेस हो गया, तो हम लोग 50 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन हाई रिस्क से आप लोगों को कम से कम 5 लाख 10 लाख मिला इंसेंटिव से। तो इधर क्या होता है, आप एक फ्रेम स्टार्ट किया तो कंपनी टू कंपनी कितना भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, उसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो जो व्यक्ति हाई रिच में स्टिक ऑन करना चाहता है, सीरियसली बिजनेस करना चाहता है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप लोग जीएसटी से एक फ्रेम स्टार्ट करो, फ्रेम स्टार्ट करके एक कंपनी में इसका पार्ट बन जाओ। तो ये आप लोग करो नहीं करो हाई रिच का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आपका लीगैलिटी के लिए बताता हूँ, क्योंकि कंपनी तो सेफ है, एजेंसी पूरा सेफ है, अभी जो जितना लीडर्स है उसको सेफ करने के लिए बताता हूँ। सब लोग अच्छा पैसा कमा, जो नया आया था उसके बारे में नहीं बताता हूँ मैं, कम से कम 5 लाख तो कमाया एक साल में, मैं बताता हूँ एक साल का अंदर 5 लाख 10 लाख बनाता है वो लीडर लोग। लासिम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, ये जो फेम स्टार्ट करके आप लोग बिजनेस करना चाहिए, तो फेम टू फेम ट्रांजेक्शन आप लोगों को लिमिटेशन नहीं है, और जितना सारा आप लोगों के अकाउंट में पैसा आएगा तो भी हम लोग जीएसटी के माध्यम से ये इसको टैक्स पे करता है। और जीएसटी क्या है, मंथली हम लोग रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न फाइल करते हैं टाइम आप लोग जो ईयर एंडिंग में जितना टैक्स आप लोग दिया वो पैसा आप लोगों को रिटर्न भी मिलेगा, तो आपको कुछ नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। तो कंपनी का बारे में सोच के ज्यादा लोग, अभी देखो 3-4 दिन से हम लोग का बिजनेस कम होता है, पूरा लोग डरता है। कुछ लोग मेरे को नॉर्थ से फोन करके पूछा, सर एक कंपनी 1 साल तो चलेगा, अरे भाई 5 साल तो कंप्लीट हो गया है, अभी 1 साल किया हम लोग, 25 साल तो चल सकता है। हम लोगों का इतना विजन है, मैं थोड़ा अपडेट बताना चाहता हूँ। कंपनी का जो कूपन सिस्टम लेके आया, मेरे ख्याल में ज्यादा लोगों को इतना इस बारे में डिटेल्स नहीं मालूम है। कूपन क्या है, हम लोग एक रिडीम कूपन लेके आया, अभी इतना जितना महीना अभी मनोहर सर बताया 9 मंथ्स हो गया, तो मेरे को मालूम है वो ज्यादा स्ट्रगल हो गया जो प्रोडक्ट का डिलीवरी का, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं मिला,
ये जो ज्यादा कंप्लेक्सेंट, इसलिए वो खुद का फ्रांचाइजी लेके खुद का प्रोडक्ट है ये जो सॉल्व करने के लिए। तो कंपनी को ज्यादा कंप्लेंट्स आता है, प्रोडक्ट डिले होता है, एक महीना होता है, डेढ़ महीना होता है, अभी जो कोविड की वजह से ज्यादा प्रेस में लॉकडाउन होता है उस वजह से भी डिले होता है। तो इसके लिए कंपनी क्या किया, पहले 800 रुपये चाहिए हम लोगों को ज्वाइनिंग करने के लिए। आप अभी 699 को आप ज्वाइन कर सकता है, तो वो पैसा आपको कैसा मिलेगा? तो इधर इसको कैलकुलेशन पूरा आप कस्टमर को बताने का जरूरत नहीं है, उसको कैलकुलेशन आपको कैसा वो कंपनी देता है ये सब बताने को नहीं चाहिए, सिंपली बता सकता है 699 को आप एक कूपन से आईडी एक्टिवेशन किया, ठीक है, तो वो आईडी से आप रिपर्चेस करता है। रिपर्चेस करने के टाइम आपको जो बिल मिलेगा एजेंसी में, तो बिल में आपको हम लोग ऑनलाइन में ऑर्डर करने के दिखाता है कितना बीवी होता है। समझो अभी 1000 का सामान खरीद किया तो आपको मिला 100 बीवी, ठीक है। तो एक साइड में आप लोगों को पहला जानता है रिपर्चेस इनकम 19 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो ऐसा ही मिलेगा, उसमें कुछ ये नहीं है, चेंजेस नहीं है, जैसा रिपर्चेसिंग है ऐसा ही आपको रिपर्चेस इनकम मिलेगा। प्लस आपको जो 100 बीवी मिला ना वो बिल में, वो 100 बीवी का 80% कंपनी आपको कैश बैक देता है, वो किधर से दिएगा? 699 आप लोग पे किया ना उधर से देता है। तो सिंपली जो जो आपको जो रिपर्चेस करना करता है उसको जो बीवी बनता है उसका 80% आपको कैशबैक मिलता है। तो 699 से 80% क्या बाकी जो बैलेंस आपको डैशबोर्ड में दिखाएगा, दूसरा टाइम परचेस करने के टाइम जितना बीवी बनता है उसका 80% इधर से वापस मिलता है। ऐसा टोटल आप जितना पैसा पे किया 699 पे किया पूरा आप यूज कर सकते हैं। तो आपका जो हायरिच का ज्वाइनिंग फ्री हो गया ना, हायरिच में जो ज्वाइन किया वो आपको फ्री हो गया, ठीक है। तो ये कूपन सिस्टम लोग क्यों लेके आया, आप लोग जानता है कोई भी कंपनी का बैकबोन है, बैकबोन प्लान है रिपर्चेस प्लान, तो वो हम लोग बूस्ट करने के लिए कूपन सिस्टम लेके आया। तो किसी का कंप्लेन नहीं है प्रोडक्ट नहीं मिला, नहीं तो प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं है, ये सब कंप्लेन नहीं मिला, और वो जो आदमी का ज्वाइनिंग भी फ्री होता है में। तो कूपन सिस्टम लेके आया हम लोग रिपर्चेस इनकम बूस्ट करने के लिए, और नेक्स्ट वीक हम लोगों को कंपल्सरी रिपर्चेसिंग आता है, उसका डिटेल्स में बाद में मैं डिक्लेयर करेगा। और वन जो भी सर बताया, जैसा हम लोगों को सीईओ बताया, कंपनी बाहर जाता है तो बाहर जाने का टाइम अच्छा कुछ प्लान हम लोगों को हाथ में होना चाहिए। तो कंपनी का खुद का क्रिप्टो करेंसी बाहर आता है, ठीक है। अभी हम लोग उसका नाम दिया HR कॉइन और हाईरिच क्रिप्टो, ऐसा कुछ नाम हो जाएगा। तो इसका फाइनल मीटिंग है आज, तो कब डिक्लेयर करेगा, आज डिसाइड करेगा। तो क्रिप्टो करेंसी लेके आता है। दूसरा, आप लोग पिक्चर तो देखता है, सब लोग पिक्चर देखता है अभी Amazon Prime में, नहीं तो Netflix में जाके पिक्चर देखता है, सबके पास मोबाइल है। अभी 2 हफ्ते के अंदर हाईरिच का खुद का OTT भी आता है, ठीक है, हाईरिच का खुद का OTT भी आता है, उधर आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। तो ये जो जितना अपडेशन है, अपडेशन तो आता ही रहेगा, जो भी सर पहला बताया अपडेशन का कुछ कमी नहीं है। तो ये सब हम लोग करने, पहले ज्यादा लोग पूछते थे आप लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग में नहीं गया। अगर आप लोग सोचो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है तो ये सब हम लोग नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट के साथ अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट करता है, फार्म सिटी का प्रोजेक्ट करता है। कंपनी डिक्लेयर करने का पहले हम लोगों को लोग लैंड लेके आता है, 1000 एकर ऑलरेडी खत्म हो गया, कंपनी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया उसका पहला लेके आया। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों को गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट करने को अवसर मिला है। दूसरा, हम लोगों को हाईरिच का
चयन सुपरमार्केट का एक प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट के साथ आने वाला है। ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग एक पेपर में कुछ लिखा, कोई की लिखा, जैसा मल्टी लेवल मार्केटिंग पर बैन करता है, नहीं तो कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियो देखा, ये सब डरने का जरूरत नहीं है। क्योंकि आप बस सोचो, यूट्यूब में जो वीडियो आता है वो लोग उसको पैसा बनाने के लिए आता है। कोई आपको आपको खुद पैसा बनाने के देने के लिए कोई नहीं आता। तो आप लोग क्यों डरना चाहिए? इतना साल तो डर गया, जो आदमी डर गया वो मर गया। ओके, तो डरने का कुछ जरूरत नहीं है, आंख बंद करके बिजनेस करो। तो हायर चीजर आप लोगों को पूरा करके देता है, आप लोग बस ये सोच के बैठते हैं लीगल है क्या दूसरा कंपनी का जैसा। अरे दूसरा कंपनी इतना 25 साल में जैसा करके आया उसके अलग है हायरिंग। तो इधर जो जितना व्यक्ति है सब लोग अपना फ्यूचर के बारे में सोचो। ज्यादा लोग मेरे को नोट से फोन करके फोन किया, सर हायरिंग का वजह से अभी 3 टाइम हम लोग खाना खाता है, जो कोरोना आया पूरा सत्यानाश हो गया, 1 टाइम खाने का मुश्किल था, अभी हायरिंग का वजह से हम लोग डेली 1,000 रुपये तो कमा सकता है। वो सुनेगा था, वो सुनेगा नहीं, दिल खुश होता है। और कुछ नहीं चाहिए, एक आदमी को घर में हायरिंग का वजह से खाना बनाता है वो बस इनफ। देखो इधर प्रधानमंत्री सर क्या करता है, जितना प्रॉफिट कंपनी का मिलता है उसका 80-85% वो वापस मार्केट में डालता हो। 2-3 प्लान लेके आया, आप लोगों को जानता है, फर्स्ट परचेस है, रीपर्चेस है और डिजिटल है। मेरे ख्याल में देखो नॉर्थ में ज्यादा लोग अभी डिजिटल नहीं किया। फर्स्ट परचेस में आप लोगों का क्या मिलेगा? 5,000 मिलेगा, वो तो हम लोगों को खर्चा को चाहिए, इधर उधर जाने का पैसा चाहिए, तो काम करता तो कुछ सेव करना चाहिए ना, उसके लिए आप लोग डिजिटल कर रहे हो। तो क्या होता है डिजिटल में, क्या होता है फर्स्ट परचेस में हम लोग को 25 पेयर मैच होना चाहिए, 50 लोग चाहिए आप सीलिंग होने के लिए। सीलिंग होकर आपको क्या मिलेगा? 5,000 मिलेगा। लेकिन डिजिटल में क्या, 20 लोग चाहिए लेकिन आपको कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। इधर मिलता है उसको डबल मिलता है। थोड़ा स्मार्ट काम करो, पैसा कमाओ, ठीक है। मैं अभी कुछ डीलर लोग जानता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जानता हूँ, मनोहर सर को जानता हूँ और सत्येंद्र से रोज फोन करता है, कुछ लीडर्स लोग जानता है। लेकिन मैं क्या बताता हूँ, देखो आप लोग सीलिंग के लिए फोकस नहीं करो, ये जो नया साल है इसमें एक डिसीजन करो, मेरा लेफ्ट में 5 आदमी को, राइट में 5 आदमी को मैं सीलिंग बना के देगा। मेरा सीलिंग के बारे में नहीं सोचो, हम लोग टीम के बारे में सोचो। नेटवर्किंग में आप लोगों को सिखाने को नहीं चाहिए, सबसे बड़ा लीडर है इधर तो नेटवर्किंग कुछ आप लोगों को बताने को नहीं चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ टीम के बारे में सोचो। अभी जो अभी सर बताए इधर 1,000 लोगों का आता है लेकिन लोगों को मीटिंग में आने के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन टीम बिल्डिंग ज्वाइनिंग के इसी है, कोई भी व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग कर सकता है, लेकिन टीम बिल्डिंग है नेटवर्क का पावर बताता है। जो व्यक्ति टीम बिल्डिंग करता है उसका टीम आगे जाएगा। ओके, तो मैं बहुत सारा डिटेल्स बताया, तो अभी आप लोगों को कुछ इसका ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे को पूछ सकता है। ओके सर, जो भी सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। एक क्वेश्चन पार्ट तो हम इसके अंदर नहीं रखेगा सर, क्योंकि हजार आदमी है, हजारों क्वेश्चन आएगा, तो इसके अंदर एक सोल्यूशन है। कोई भी डाउट हो अपलाइंट को पूछ सकता है। और टाइगर टीम अभी ये महीना आ रहा है, अगला महीना 11 ईगल्स आ रहा है, उसके बाद मैग्नेट आ रहा है, यानी कि ये 6 महीना हमारा पूरा टीम आ रहा है। एकदम बढ़िया दिन है सर, जो आप बताया ना उसमें मैं ये की वर्ड्स जो अपडेशन ये सब कंपनी तो रहेगा, मेरे को पता है, इसके वजह से मैं अभी तक कंपनी के साथ हूँ, आगे भी कंपनी के साथ देगा। मगर ये जो वीडियो FB में चल रहा है, ये वीडियो और ये जो जूम मीटिंग उसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिससे मैं
एक साल पहले मिला था, मेरे को इग्नोर किया था, उसी को मैं डेडिकेट करेगा ये वीडियो, ये वीडियो उसी को देगा, ये लिंक में उसी को देगा। ये जो भी जोसेफ मेरे पास आया था उस समय मेरे मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, जो ध्यान दिया है वो मेरे साथ है। और कंपनी मैनेजमेंट में पहले भगवान को विश्वास किया और मेरे फैमिली मेरे साथ दिया, और मैं बोला मैं हाईरिच ऑफिस में जा रहा हूँ, आज कुछ अलग अंदाज मेरे को मिलने वाला है। जिसे मेरा सोच था वही मेरे को मिला, जिसे मैनेजमेंट को मिलने पर। तो इतना बड़ा कारवा भी होने वाला है अगले दो हफ्ता, अगला महीना से OTT भी रेडी हो रहा है, ठीक है। फिल्म देख सकेगा, जब फिल्म देखेगा आदमी को पैसा आएगा, ठीक है। आने वाले क्या क्या अपडेशन है वो आप आते ही रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं। और इतना आदमी सभी 950 मेंबर्स अभी इसके अंदर है, और FB में भी कम से कम 200 से 500 तक आदमी है। कंपनी में एक और वर्ड्स में बोलना चाहता हूँ, जो कानून जो गजट अभी 27-28 में पब्लिश हो गया था, उसमें लीगलिटी के बारे में एक और वर्ड्स, जो GST के अंदर इंडिया में काम करने वाला एक ही कंपनी है, वो है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। उस कंपनी में हम है, उस कंपनी में हम लीडर है। जो लेफ्ट राइट खड़ा करके एक आदमी आएगा उसको मैं लीडर मानेगा। जैसे हमारा मार्केटिंग मैनेजर बोला था, जो भी जो सब इसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने सर कुछ नहीं है सत्येंद्र जी, कुछ नहीं है। कोई भी नया बंदा आएगा ना उसको चाहिए हमको, कोई भी नया बंदा आएगा उसको चाहिए बस। हर घर में ₹1,000 डेली मिलेगा, तो उसमें कुछ फैमिली के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होता है, काम होता है, ये तो ना बढ़िया बात। मार्केटिंग मैनेजर ऐसे ही कहा है, ठीक है। यही बढ़िया बात, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बगैर कुछ ना कुछ डेली मिल रहा है। तो लीडर्स लोगों के लिए अभी डिजिटल प्लान के बारे में भी निंदा सर ने बताया, सोचो सोच के एक अलग अंदाज में काम स्टार्ट करो। और ज्यादा मैं बात बोले ये खंडे के ऊपर हो चुका है, मैं अभी क्लोजिंग पार्ट के लिए, इसे हमारा सत्येंद्र सिंह फ्रॉम पंजाब, मेरा जो पहला साथ दिया था, और ये दोनों आदमी मैं लाइफ टाइम में क्योंकि हाथ पकड़ के ही जाएगा, कोई भी नेगेटिव आ जाए इसके ऊपर, मनोहर के ऊपर कोई भी नेगेटिव आओ, सत्येंद्र जी के ऊपर कोई भी नेगेटिव आओ, किसी के ऊपर कोई भी नेगेटिव आओ, मैं ये दोनों को और मेरा टीम को नहीं छोड़ पाएगा। तो सत्येंद्र जी लेट्स वेलकम, आपका पार्ट इसके अंदर क्लोजिंग का पार्ट है, आपका विचार रख सकता है। आज का मीटिंग क्लोज करने के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ सत्येंद्र जी फ्रॉम पंजाब, नॉर्थ इंडिया का पहला कैपिंग अचीवर ऑन हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। ओके सर, सत्येंद्र जी अपने आप एडमिट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जॉबे सर मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं सर, आपने इस वैल्यूएबल मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी सर मार्केटिंग में थोड़ी सी न्यूज सुनने को मिल रही है उसको, उससे रिलेटेड आपने ये मीटिंग को रखा है, तो सभी हाईरिच फैमिली की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंकफुल हूँ। और दीनूराज सर का भी मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है इस मीटिंग के लिए, क्योंकि सर का बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उस बिजी शेड्यूल के कारण सर का टाइम निकाल पाना भी थोड़ा चैलेंजेबल रहता है। दोस्तों जो भी हमें 3-4 दिन से ये जो चैलेंज फेस कर रहे हैं सर का सर्विस को लेके, या किसी का पे आउट अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, ये दोस्तों दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज ए चैलेंज। जब हम प्रॉब्लम समझते हैं तो हमारा माइंड जो है सिकुड़ता है, लेकिन यदि हम किसी भी सिचुएशन को चैलेंज के रूप में लेते हैं तो हमारा दिमाग ओपन होता है, जब हमारा दिमाग ओपन होता है तो उस सिचुएशन को समझता है। इसलिए इस सिचुएशन को समझिए, और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का विजन और टारगेट बिल्कुल क्लियर है, वहां पर कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, और हम सब लोग कंपनी के साथ हैं, कंपनी के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों जैसे अर्जुन को महाभारत में ओनली एक चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, तो यहाँ पर हाई रिच फैमिली में भी हमें अपना टारगेट ही नजर आता है, और हाई रिच सिस्टम का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़े विजन के साथ इस सिस्टम की स्टार्टिंग है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, शुरुआत में
थोड़े बहुत ये चैलेंज हमें फेस करने पड़ते हैं, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। दोबारा फिर कह रहा हूं, प्रॉब्लम से दिमाग सिकुड़ता है और चैलेंज से दिमाग अपना ओपन होता है। तो दोस्तों, क्योंकि देखिए, एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देनी चाहूंगा। जैसे जून का महीना, जून के महीने में किसी की शादी होती है तो दूल्हा जो होता है वो घोड़ी से नहीं उतरता, इतनी गर्मी होती है, क्योंकि उसको दुल्हन नजर आ रही होती है। जब आपका क्लियर कट पर्पज होगा, क्लियर कट टारगेट होगा, तो ये छोटे मोटे चैलेंज आपको किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे। ये छोटे छोटे ये स्पीड ब्रेकर हैं, लेकिन आपका टारगेट है, आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे छोटे छोटे चैलेंज जो आएंगे, ये कोई मायने नहीं रखते। दोस्तों, बाकी दिनुदास सर का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने लीगलिटीज को लेके ये सारा सिस्टम हमें क्लियर कर दिया है। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, हम मर्चेंटाइज में है, इसलिए हमें कोई इस तरह का चैलेंज नहीं आ सकता। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। दोस्तों, मैं दिनुदास सर को अपनी तरफ से दो लाइनें कहनी चाहूंगा। सर, हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो अकेले तन्हा शिखर चढ़ सकते हैं, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी नंदी प्रकाशन के लिए लेट्स वेलकम ग्रेट डायनामिक लीडर आर के मनोहर सर। आर के मनोहर जी, अपने वर्ड्स पर दिनुदास सर को थोड़ा नंदी का वर्ड्स, यानी कि नंदी प्रकाशन करना जरूरी है, जो इतना कीमती समय हमको दिया है। तो आर के मनोहर जी, आप अपने वर्ड्स इसके अंदर रख सकता है। थैंक यू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एकदम एकदम, इधर आज बात सुन के थोड़ा सा हैवी हो रहा था, कि कई लोगों को हम बोलते थे कि मानते नहीं थे। अभी मैं बोलता हूँ लोगों को कि 5 करोड़ कमाना है 2022 में, 5 करोड़ कमाना है, वो लोगों को यकीन नहीं होता था। अभी दिनुदास सर के बातें सुन के 1000 लोग इधर बने थे, वो 1000 लोगों का इधर धड़कने थोड़ा तेज हो रहा था। इतना प्राउड फीलिंग, इतना अच्छा सिस्टम, इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ी सोच, मैं फील कर रहा हूँ। क्योंकि नेटवर्कर लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, लेकिन दिल की धड़कन को ये कनेक्ट करता है। तो सो थैंक यू, एकदम एकदम बढ़िया दिनुदास सर, आपको सैल्यूट है, सैल्यूट है। सच में आप लोगों ने और कंपनी मैनेजमेंट लोगों ने जो सिस्टम लेके आया है, इस सिस्टम से हमारा पूरा हिंदुस्तान एक आर्थिक आजाद हो सकता है। और सच में एक 200 रुपए का पे आउट भी यदि किसी के घर में जाता है एक सप्ताह के अंतर्गत, पहला सप्ताह में, तो भी उसको अच्छा लगता है। यार अभी कई कंपनियों में एक साल से काम कर रहा है, एक साल से काम करते करते उस घर में 10,000 आज नहीं जा रहा है। इधर 3 महीना में एक 21 साल का लड़का आता है, मोबाइल फोन उठाता है, मोबाइल फोन काम करता है और 5,000 पर डे पहुंचता है। 16 साल का लड़का 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है, मम्मी पापा के आईडी में काम कर रहा है। अभी वो बंदा 1,10,000 का इनकम किया 5 महीने में। तो ये सिस्टम को बड़े बड़े लीडर देख रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आज समझ गए तो कल कमाएंगे पैसे पैसे, और ना समझ पाए तो रह जाएंगे पहले जैसे। तो थैंक यू सो मच हमारे पूरे टाइगर टीम की ओर से, टीम ईगल इंटरनेशनल की ओर से। सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम है और आपको थैंक यू सो मच। इतना अच्छा कॉर्पोरेट हमारे टीम को करते रहते हैं इसके लिए, और ये टीम ईगल इंटरनेशनल पूरा हिंदुस्तान में दिखाएगा सर।